जितेंद्र सिंह जी, रिपुन बोरा जी, भूपेश बघेल जी, साइकिया जी, हमारे कैंडिडेट्स दिगंता बर्मन जी, अनवर हुसैन जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता, महाजोट के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आपको 5 गारंटियां दी हैं। ये गारंटी जो हमने आपको दी, ये हमने किसी बंद कमरे में ढूंढ के नहीं निकाली। हम आपके पास आए, आपसे मीटिंग की, अलग अलग लोगों से हमने बात की, महिलाओं से बात की, युवाओं से बात की, टी गार्डन्स के जो मजदूर हैं उनसे बात की, छोटे और मिडिल साइज कंपनी को जो चलाते हैं उनसे बात की, और उनसे पूछा, भैया देखिए आप बताइए आसाम के लिए क्या करना चाहिए। और इन मीटिंग्स में आपने हमें बताया, सीएए के बारे में बताया, आपने कहा देखिए असम में हम सीएए नहीं चाहते, और फिर आपने समझाया आप इसके खिलाफ क्यों हो। आपने कहा कि ये जो सीएए है ये असम पर आक्रमण है, ये असम को तोड़ने का, जलाने का, नफरत फैलाने का तरीका है, हमें ये नहीं चाहिए, ये आपने बोला। हमने सुना, और हमने अपने मैनिफेस्टो में एक लाइन लिख दी कि चाहे कुछ भी हो, असम की जनता ने हमें कहा है हमें सीएए नहीं चाहिए, तो दुनिया की कोई भी ताकत असम में सीएए को नहीं ला पाएगी, खत्म। पहला वायदा। दूसरा वायदा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी असम में है, पहले नंबर पे असम के युवा आगे पीछे रोजगार ढूंढने निकलते हैं, मिलता नहीं है। कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा रोजगार? रोजगार आसमान से थोड़ी गिरता है, जादू से थोड़ी पैदा होता है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, आपके जेब में से पैसा छीना, छीना छोड़ो, चोरी किया, उसके बाद जीएसटी लागू की, 28% टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स, गरीबों पे टैक्स, छोटे दुकानदारों पे टैक्स, छोटे व्यापारियों पे टैक्स, मिडिल साइज बिजनेसेस पे टैक्स, और अरबपतियों को छूट।
भाई और बहनों जो रोजगार पैदा करते थे उनको तो नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। जो छोटे व्यापारी थे, जो किसान हैं, जो मिडिल साइज बिजनेस हैं, जो असम को पहले रोजगार देते थे उनको तो नरेंद्र मोदी ने मार दिया। क्यों मारा? अपने दो तीन मित्रों की मदद करने के लिए, भाई और बहनों आपके जेब से पैसा निकाला, उसको आप नोटबंदी कह दीजिए, उसको आप जीएसटी कह दीजिए, और फिर लाखों करोड़ रुपए उन्होंने अपने दो तीन उद्योगपतियों को पकड़ा दिया, आपका एयरपोर्ट पकड़ा दिया, आपके चाय के बगान गार्डन पकड़ा दिए, ऑयल फील्ड्स दे दी, जो आपका था वो सब उठा के नरेंद्र मोदी ने सोनेवाल जी ने बाहर के लोगों को दे दिया। इसीलिए हमारी दूसरी गारंटी, हम असम के युवाओं को 5 लाख रोजगार देंगे और असम की जो अर्थव्यवस्था है उसको हम एक बार फिर चालू करके दिखाएंगे। हमने ये पूरे देश में कर रखा है। छत्तीसगढ़ में जाके देखिए, छत्तीसगढ़ में ऐसे ही हमने वायदे किए थे। एक सबसे बड़ा वायदा किया था, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे, उन्होंने भी कहा, हमने छत्तीसगढ़ में कहा देखिए क्या चाहते हैं आप। छत्तीसगढ़ के हर एक किसान ने हमें कहा, राहुल जी, बघेल जी, किसानों को आप कर्जा माफ कर दीजिए। भाइयों और बहनों, चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस पार्टी को जिताया, और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कहा था 10 दिन के अंदर होगा। और बघेल जी से पूछिए, चुनाव जीतते ही मैंने उनको फोन लगाया और कहा देखिए टाइम जाया मत कीजिए, हमने वायदा किया है इसको पूरा कर दीजिए। भाई और बहनों, 10 दिन नहीं लगे, वो छोड़ो 10 घंटे नहीं लगे, 6 घंटे में काम कर दिया। और यही मैं आपको कह रहा हूं, ये जो गारंटी हम दे रहे हैं ये सच है। झूठी गारंटी सुननी है ना, जाइए नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुन लीजिए, 24 घंटा झूठ बोलेंगे। किसी चीज के बारे में झूठ सुनना हो, किसानों के बारे में, रोजगार के बारे में, असम के बारे में, बंगाल के बारे में, कर्नाटक के बारे में, टीवी ऑन कीजिए, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखिए, और जो उनके मुंह से निकलता है उसको सुनिए, वो झूठ ही निकलता है और सच्चाई नहीं निकलती उसमें से। चाय के बगीचे के जो मजदूर हैं उनके पास हम गए, हमने उनसे पूछा देखिए बताइए क्या है। उन्होंने हमें कहा देखिए बीजेपी ने हमें वायदा किया था 351 रुपीज का वायदा किया था, कहा था कि मजदूरी के 351 रुपीज देंगे। राहुल जी झूठ बोला, हमें धोखा दिया। हमने कहा क्या चाहते हो आप, टी गार्डन्स के मजदूरों ने कहा राहुल जी 365 चाहते हैं, 365, हमें 365 रुपए मिलने चाहिए। हमने कहा
आपने हुक्म किया है आपको 365 रुपए मिलेंगे, खत्म। वही सवाल हमने अपनी माताओं बहनों से पूछा, उन्होंने हमें कहा हमारा सम्मान होना चाहिए, हमें हर महीने हाउसवाइफ्स को 2000 रुपए मिलने चाहिए, महिला सम्मान। हमने कहा हां जी मिलेगा। और आखिरी बात, हर घर को 200 यूनिट फ्री में बिजली। भाइयों और बहनों, ये गारंटी है, मैं आपको बता रहा हूं। आप मुझे बताइए एक बात, अगर ये 24 घंटा हिंदुस्तान के 2-3 बड़े उद्योगपतियों को पैसा दे सकते हैं, किसी को एयरपोर्ट पकड़ा दिया, किसी को टी गार्डन्स पकड़ा दिए, किसी को ऑयल वेल्स पकड़ा दी, अगर ये सबसे अमीर दो लोगों को पैसा दे सकते हैं तो हम सबसे गरीब को क्यों नहीं दे सकते? पैसे की कमी नहीं है, ये फर्क है। हमने नरेगा दिया, करोड़ों लोगों को 100 दिन का रोजगार, और आज ये आसाम में नरेगा का पैसा आपसे चोरी करते हैं, नरेगा का सही पैसा नहीं देते, गायब कर देते हैं और फिर 2-3 लोगों का कर्जा माफ करते हैं। तो अगर ये सबसे अमीर लोगों का पैसा दे सकते हैं तो हम सबसे गरीब लोगों को क्यों नहीं दे सकते? सीधी सी बात, और हम करके दिखाएंगे। आप देखना, चुनाव के बाद हम करके दिखा देंगे। और आप इनसे एक बात पूछिए, इनके जो बाहर से बड़े नेता आते हैं, चीफ मिनिस्टर से पूछिए, आप बांटने का काम करते हो, आप आग लगाने का काम करते हो, आपने असम के लिए पिछले 5 साल में क्या किया? एक बात बता दो, आपने असम को आगे बढ़ाने के लिए, असम के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं की मदद करने के लिए, छोटे दुकानदारों की मदद करने के लिए आपने क्या किया, ये तो बता दो। चौबीस घंटा ये आग जलाते हैं, हर प्रदेश में जाते हैं, आग जलाते हैं, और इनका सिर्फ एक लक्ष्य है, जो आपका है वो आपसे छीनकर ये 2-3 लोगों को पकड़ा दे। ये 5 गारंटी है, मैं आपको छठी देता हूं। छठी गारंटी ये है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, महाजोत की सरकार, असम को असम से चलाएगी, नागपुर से नहीं, दिल्ली से नहीं, असम से चलाएगी। और हमारा चीफ मिनिस्टर नागपुर जाके ऑर्डर नहीं लेगा, दिल्ली जाकर ऑर्डर नहीं लेगा, हमारा चीफ मिनिस्टर असम की जनता के पास जाकर ऑर्डर लेगा, और जो असम की जनता उसको कहेगी वो हमारा चीफ मिनिस्टर करके दिखाएगा। भाई और बहनों, देखिए आज जो भीड़ आई है इसमें अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, इसमें हर जात के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, ये असम है। देखिए भाईचारे के साथ, प्रेम
प्रेम के साथ आप यहां खड़े हो, एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हो, एक दूसरे का आदर कर रहे हो, यह है असम, यह आपकी संस्कृति है, यह आपकी हिस्ट्री है, यह आपका इतिहास है। बीजेपी आरएसएस के लोग आप पर, आपके संस्कृति पर, असम पर, आपकी भाषा पर आक्रमण कर रहे हैं, इस बात को आप समझिए। हमारे लिए देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग प्रदेश हैं, अलग धर्म है, अलग सोच है, हमारे लिए ये सब एक साथ मिलकर हिंदुस्तान बनाते हैं। ये आपकी भाषा को दबाना चाहते हैं, आपकी हिस्ट्री को रद्द करना चाहते हैं और आपको एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं, इनका यही लक्ष्य है। पांच साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आग लगाने की कोशिश की। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देता हूं, असम की जनता ने इनको बहुत अच्छा सबक सिखाया। असम की जनता ने इनको कहा कि आप हमें नहीं बांट सकते, आप हमारे बीच में नफरत नहीं फैला सकते, ये जो आप आक्रमण हम पे कर रहे हो हम आपको नहीं करने देंगे। और बीजेपी को बात समझ आ गई कि असम को तोड़ा नहीं जा सकता, असम की भाषा को दबाया नहीं जा सकता, असम में नफरत नहीं फैलाई जा सकती। चुनाव से पहले आपने सबक सिखा दिया भाई और बहनों, इसका नतीजा आपको कुछ ही दिन में दिखाई दे जाएगा। असम में माजौद का चीफ मिनिस्टर आएगा और ये जो हमारी पांच गारंटी है उसका पहला काम इनको पूरा करने का होगा। आप दूर दूर से आए, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और यहां हमारे जो दो कैंडिडेट्स हैं, बर्मन जी आइए आइए, और अनवर हुसैन जी, इनको आप भारी बहुमत से जिताइए, विधानसभा में पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मैं बरक्षेत्री राइजर पूरा राहुल गांधी जी धन्यवाद जनाइछो और आमी मीटिंग समाप्त हुआ बोली घोषणा करिछो। धन्यवाद, जय हिंद, जय अखन, खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे।